नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका पाल ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको ये ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ। ट्रैक्टर तो आपने देखा होगा, सर को भी आप जानते होंगे। और मैं यहाँ इधर दिखाओ रोड से, मैं यहाँ से अभी निकल रहा था तो मुझे अंकल जी देखे, और अंकल जी को तो मैं पहले से ही जानता हूँ और आपने इनकी वीडियो भी देखी होगी, इनसे बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार पाल साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो आज की वीडियो हमारे किसान भाइयों को बताएं, आज आप खेत में कौन सा काम कर रहे हैं ट्रैक्टर से? अब धान की बुआई 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, तो इस टाइम मैं युद्ध स्तर पर खेतों की तैयारी में लगा हुआ हूँ। अच्छा जी, तो ये भगवान की कृपा से बेलारूस आया था। अच्छा, इधर ट्रैक्टर दिखाओ मेरा। तो मैंने सोचा भी अब इसको थोड़ा चलाऊं। बिल्कुल जी। तो आज मैं जुताई कर रहा था। अच्छा, तो आज आप हैरो पे क्यों बैठे हुए हैं? मैं आज किसानी रूप में खेतों में हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये हमारा कित्ता है किसानी, बिल्कुल, कई सौ सालों से। तो ये इसी मतलब हैरों पे बैठे, कभी ट्रैक्टर पे, कभी मेड़ पे बैठ जाते हैं। बिल्कुल, अपना तो खेती का काम होता है। हाँ जी। तो आप ट्रैक्टर, वैसे आपने ट्रैक्टर कब, कौन से सन में ट्रैक्टर चलाना शुरू किया था वैसे? सर मुझे 36 साल हो गए ट्रैक्टर चलाते। अच्छा जी। तो वैसे वो हमारे पास पुराना ट्रैक्टर भी आपको उस दिन मैंने दिखाया था, अलिस चैम्बर ना। हाँ जी, हाँ जी, 1950 से ट्रैक्टर है हमारे परिवार में। अच्छा जी। तो दादा जी के टाइम से। अच्छा। पिताजी, दादाजी, चाचा, ताऊ सब चलाते रहे। बिल्कुल जी। तो अब ये नया लिया था, मैंने कहा चलो शौक के लिए खरीदा। हाँ जी, शौक भी, अब और हमने करना भी क्या है। बिल्कुल, जब खेती करनी है तो बढ़िया करके करो। बिल्कुल, बाकी वाहेगुरु की कृपा है, जब उसकी कृपा हो जाती तो सब मुरादें पूरी हो जाती। बिल्कुल, मैं भी जो आपकी पहली वीडियो हमने बनाई थी जी, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, काफ़ी ज़्यादा चली, और मैं मतलब यहाँ पे घूमता हूँ अपने सितारगंज एरिया में, बहेड़ी में जी, किच्छा रुद्रपुर साइड में, काशीपुर में, तो काफ़ी लोग यही बोलते हैं कि ये बहुत आश्चर्य की बात है कि पंजाब में भी इतने बड़े बड़े किसान हैं, लेकिन जो अपने लोकल में आपने सबसे पहले ट्रैक्टर खरीदा है पूरे इंडिया में, तो ये बहुत मतलब अलग बात हो गई ना। तो ऐसा क्या कह रहा था जो आपने सबसे पहले ट्रैक्टर खरीदा पूरे इंडिया में? ये देखो, सिख कौम जो है ना, है तो 2% ही। बिल्कुल, पर हमारे गुरुओं की इसके ऊपर अपार कृपा है। बिल्कुल जी, हम किसी तरफ भी जाएं, हर मैदान फतेह करते हैं, निश्चय करके अपनी जीत करते हैं। अच्छा जी। चाहे हम किसानी पे जाएं, चाहे ट्रांसपोर्ट लाइन जाएं, व्यापार करें, चाहे बॉर्डर पे लड़े मरें, तो ये जब हम किसानी कर रहे हैं तो हमें ट्रैक्टरों से प्यार है, जानवरों से प्यार है, मिट्टी से प्यार है। बिल्कुल, ये भारत महान है, इसकी मिट्टी से हमें बहुत प्यार है। अच्छा, क्योंकि हम यहीं पे पैदा हुए, यहीं सब मरना जीना सब यहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इसलिए हमारी, आपको उस दिन भी मैंने बताया था, इच्छा थी बिल्कुल कि इम्पोर्टेड ट्रैक्टर खरीदा जाए सबसे पहले भारत में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, भारत में आप पहले आते रहे, फिर बंद हो गए, अब फिर दोबारा, मतलब ये मैंने पहला ट्रैक्टर मंगवाया है। नहीं, इस समय तो आपने पहली बार, हाँ जी, हाँ जी, जब शुरुआत हुई है दोबारा, तो आप सबसे पहले आपने जो खरीदा है पूरे इंडिया में। जी जी। हाँ, तो काफ़ी किसान भाई ट्रैक्टर देखने भी आ रहे हैं। ट्रैक्टर देखने तो लगातार ही आ रहे हैं भाई, सब जान पहचान है, अब 70 साल 72 साल से तो हम यहाँ रह ही रहे हैं। नहीं, कुछ हमारे जानने वाले भी जो हम वीडियो बनाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, फार्म पे जाके, तो वो भी कहते हैं कि हमें भी मतलब ट्रैक्टर देखना है, ट्रैक्टर मतलब वो भी उन्हें काफ़ी पसंद आ रहा है। हाँ जी, वो तो आपके चैनल के माध्यम से भी प्रचार प्रसार हो ही रहा है, मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ, जो भी मेरा भाई आएगा, जो आसपास के लोग ट्रैक्टर, हाँ, देखने आ सकते हैं ना, हाँ, उसको मैं लड्डू जरूर खिलाऊंगा। तो आओ इधर ट्रैक्टर दिखाओ जरा सर जी। हाँ जी। तो भाई अभी हम आपको ट्रैक्टर दिखाते हैं। ट्रैक्टर तो आपने देखा ही होगा, सब फीचर्स ट्रैक्टर के सर ने बताए हैं, और मुझे ये लग रहा है कि यूट्यूब की एक ऐसी वीडियो हमारी होने वाली सबसे बेस्ट वीडियो है। सर ने ट्रैक्टर के बारे में हर एक फीचर्स की जानकारी डिटेल से दी, इतनी जानकारी तो मुझे लग रहा है कंपनी वालों को भी नहीं होगी जितनी सर जी को है। जी जी। तो सर, जैसे आपने वीडियो बनाई थी पहले वाली, काफ़ी लोग बोल रहे हैं वीडियो लंबी है, वीडियो लंबी तो, लेकिन जब जानकारी अगर डिटेल से किसान को देंगे तो फिर बड़ी तो वीडियो होगी। अब वो तो भाई साहब अभी इसमें कई फंक्शन रह गए हैं। अच्छा जी, जैसे अगर लंबी होगी तो ट्रैक्टर ऐसे, इसमें फंक्शन इतने हैं। बिल्कुल, तो फिर उसमें टाइम तो लगता ही है आपको एक एक चीज बताना। जैसे इसके जो टायर हैं ये भी अलग हैं अपने आप में। ये टायर इसलिए अलग है ना, जो आम टायर आते हैं यहाँ तारें होती है उसमें। अच्छा, आपने देखा होगा टायरों को जब काटा जाता है तो बीच में उसमें तार होती है। अच्छा, तो ये बेलारूस जरा भारी भरकम ट्रैक्टर होने की वजह से 48 क्विंटल बैठा ना। हाँ, ये ज्यादा आपसे। हाँ जी, हाँ जी, नहीं इतना ही है। अच्छा, 48 क्विंटल। हाँ, बुक्स पे इतना ही लिखा हुआ है। तो ये उन्होंने अब इसकी नई टेक्नोलॉजी से यहाँ प्लेट लगा दी है इसके चारों तरफ। अच्छा जी, इधर भी उधर भी आगे भी। तो उसकी लाइफ बहुत बढ़ जाएगी। लाइफ बढ़ गई। और ये इन्होंने, ये देखो, इसमें इधर दिखाओ बेटा, ट्यूब लेस कर दिए हैं।
ट्यूब नहीं है इसके अंदर, ट्यूब नहीं है जैसे जो कारों में और गाड़ी में आते हैं बाइक में। हाँ, वो सेम चीज कर दी है। अच्छा जी। और अब ये दबते नहीं है, मतलब वैसे है नाइलॉन में ही बना रखे। अच्छा जी, नई टेक्नोलॉजी है इनकी अपनी। अच्छा हाँ जी। सर जी एक बात और बताइए, जैसे आपने बताया था इसमें मतलब हवा का सिस्टम, हवा डालने वाला। जी जी। तो ये बहुत अच्छा काम लगा, ये भी मतलब फर्स्ट टाइम है मुझे लग रहा है ना। ये रशियन वाले, रशियन ट्रैक्टरों में जो बड़े हैं ना ट्रैक्टर। अच्छा जी। अब जैसे मान लो खेत में पंचर हो गया। अच्छा जी। तो फिर यहाँ ये टायर कैसे खोल के ले जाएंगे, इतना बड़ा टायर भी मुझे लग रहा है खुलेगा नहीं। बिल्कुल जी। और वो तो आजकल के तो जो अभी हम लोग तो थोड़े बॉडी वूडी अच्छी है, जो आजकल के नए बच्चे हैं उनसे तो 25 किलो नहीं वजन उठ रहा। तो इसका टायर जो है इसलिए उन्होंने सब जुगाड़ साथ में दे रखा है। समझ रहे हैं आपको ऐसा रहा। हाँ, तो ये आप देखना चाह रहे हैं, आपकी तरफ नहीं मैं कह रहा हूँ। तो ये फिर इसको यही पे अपना पंचर लगाओ। अच्छा जी। और काम चलाओ। अच्छा। सर जी इस ट्रैक्टर में काफी सेंसर भी लगे हुए हैं, आप बता रहे थे हमें। हाँ जी, इसमें सेंसर लगे हुए हैं। दरअसल ना ये देखिए आप, इसमें अंदर ये प्लेटफॉर्म जो है ना इसका। अच्छा, प्लेटफॉर्म बिल्कुल खुला प्लेटफॉर्म। मैंने आज से 3 दिन पहले इसके बीच में एक मैट और बिछा दिया। अच्छा जी। मैंने कहा ये मिट्टी उट्टी लग जाती जूतों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसको थोड़ा ऊपर से साफ कर लिया करेंगे, थोड़ी सफाई कर लेंगे। हाँ, तो मैं इसमें मैट तो लगा बैठा, लगाने के बाद जब मैंने सेल्फ मारा तो स्टार्ट ना हुआ। अरे। तो 2 दिन में परेशान रहा। अच्छा। तो फिर कांटेक्ट किया, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, किताब तो पढ़ी मैंने। मैंने मुझे लग रहा आप लोकल में भी गए थे मिस्त्री के पास, बेलर उसका गए थे, मगर वो तो तेल उल का चक्कर था, अभी इधर तेल नहीं है, तेल उल सब था। अच्छा, फिर कंपनी में बात नहीं की आपने? कंपनी में भी बात करी, अब वो तो रशिया से कोई बताएगा तभी तो, वहाँ तो युद्ध चल रहा है। चलो फिर मैंने दिमाग लड़ाया, हम भी ट्रैक्टरों में पैदा हुए हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा और तो मैंने कुछ किया नहीं। अच्छा। तो मैंने पहले इसका सुबह उठ के रात भर सोचता रहा, तो मैंने मैट उठाया। अच्छा जी। जैसे ही मैंने मैट उठाया तो सेल्फ मारा, ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। तो इसके में सेंसर लगे हुए हैं, इसमें एक और फंक्शन भी है। अच्छा जी। जैसे मैं इसका ड्राइवर हूँ। अच्छा। तो मैं अपने मतलब फोटो इसमें लगा दूंगा जैसे। अच्छा जी। तो ये मैं ही स्टार्ट कर सकता हूँ, और कोई नहीं स्टार्ट कर। ये तो बहुत, ये तो मैंने पहली बार सुना है ऐसा फीचर्स किसी गाड़ी में भी नहीं है शायद। और इसके अलावा इसमें एक और भी है, जैसे आपने देखा होगा जो ड्रोन स्प्रे वाले आ रहे हैं ना आजकल। हाँ जी, हाँ जी। ड्रोन की स्प्रे करते हैं, तो उसमें 5 एकड़ या 10 एकड़ का टुकड़ा है, उसका मैप बना के और उसमें ये बता दो लिख मतलब डाल दिया जाता है कि कितनी दूरी पे हैरों चलेगी, और वो इसमें एक उसका जुगाड़ आता थोड़ा सा, वो मतलब मोबाइल टाइप ही है। अच्छा। वो लगा दो। अच्छा। और इसे खुला छोड़ दो ट्रैक्टर को, और ये अपने आप जुताई करता रहेगा, जितनी देर में हो जाएगी उसके बाद बंद हो जाएगा। ये सिस्टम भी इसमें है। अच्छा जी। हाँ। तो जैसे आपने इतना महंगा ट्रैक्टर खरीदा, 25 लाख का है, कितने का? हाँ जी, हाँ जी, ये ऊपर का ही 25 लाख का पूरे का ये। तो आप ट्रैक्टर से संतुष्ट हैं वैसे ना? ट्रैक्टर से तो पूरा संतुष्ट है, इसकी खूबियां बहुत अच्छी लगती हैं वैसे मुझे तो। हाँ। ट्रैक्टर तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन इसकी जो फीचर्स हैं सबसे अलग हैं, और इसकी लाइफ भी बहुत होने वाली इंजन की ना। हाँ जी, वो तो है ही है, तो मतलब दादा खरीदे, पोता बरसे। अभी हम तो यंग हैं। हाँ जी। अगर हम इसे ले लेंगे तो हमारी उम्र कट जाएगी? नहीं कट जाएगी, आराम से कट जाएगी, शायद आगे भी 1-2 पीढ़ी और कट जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये छोटा एक शेर सुनाता हूँ। अच्छा, तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने बेलारूस बनाया, मतलब उसकी मैं तारीफ नहीं कर सकता इतनी, मतलब जैसा ये बनाया ट्रैक्टर। और भी हमने बहुत ट्रैक्टर चलाए हैं, बिल्कुल झूठी तारीफ नहीं करता, चला के देखिए। फोर्ड भी है, जॉन डियर भी है, वो सब है अपने अपने हिसाब से। ये स्वराज भी है। हाँ, वो देसी ट्रैक्टर है यहाँ के सब। उनके तो गेयरों की सालों की आवाज़ ही नहीं रुकती, इसमें तो कोई आवाज़ ही नहीं आती है, ये तो कार जैसे चलते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। और इसके जो मीटर भी आपने देखोगे बहुत अलग हैं, सब कुछ आता है, और ऑटोमेटिक ट्रैक्टर है, सीट भी बहुत कंफर्टेबल है। सीट तो कमाल की, देख लो आप उधर को कैसी है। बिल्कुल। केबिन दिखाएंगे अभी आपको, एक मिनट जरा इधर से दिखा दो। इसमें 10 तो वही है इलेक्ट्रॉनिक वाली। अच्छा जी। जैसे कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है। अच्छा जी। जैसे कूलेंट कम है, हवा कम है, पानी कम है, तेल कम है, इंजन में कम है, कहीं भी कोई जो लाइट नहीं जलती तो वहाँ लाइट जल जाती है। अच्छा जी। तो अंकल जी ये बताएं इसका जो कलर है ट्रैक्टर का, कलर भी काफ़ी अच्छा है, शुरू से ही ट्रैक्टर रेड कलर में आया मुझे लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये शुरू से लाल कलर में ही आता है। अच्छा जी, इधर आ जाओ इधर। जो पहले बेटा पीछे हट जाओ। ये जो फाइबर का लगा हुआ है इसमें, ये जितना भी बॉडी है ना। अच्छा। पहले लोहे की आती थी। अच्छा जी। और अब इसमें थोड़ा सा ये टमाटरी कलर हो गया है। अच्छा जी। जो पहले होता था वो सिंगल रेड आता था। अच्छा जी। अब ये देखो इसके पहिए जो है ये भी सिंगल रेड आते थे। अच्छा जी। फिर कुछ हमारे इंडिया में अब इन्होंने नया कानून बना दिया कि आपने देखा होगा अर्जुन ट्रैक्टर और भी है, उनके सभी के अब रंग ये वाले आने लगे, स्लेटी पहियों के। बिल्कुल बिल्कुल। तो RTO का वो है इनका चक्कर। अच्छा। तो इन्होंने फिर, मैंने तो वैसे रेड की डिमांड करी थी,
तो वो बोले कि रेड आपके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो फिर ये मैंने कहा चलो जो होगा वो, पाकिस्तान में जो है वो रेड वाले ही आ रहे हैं। पाकिस्तान वीडियो हमने भी देखी, मेरे पास आता रहता उसका सारा सिस्टम है। अच्छा, और ये मडगार्ड है ये भी मुझे काफी मजबूत लग रहे हैं। मडगार्ड तो ये फिर है ही फाइबर के, उसके बना रखे ना गले ना सड़े। अच्छा, और बाकी जब ट्रैक्टर चलता है ना थोड़ा बहुत देखो वाइब्रेशन ये करते हैं, जब बड़ा ट्रैक्टर धमक आती है अगर लोहे के लगाएंगे तो वो चटक जाएंगे 6 महीने में। वो तो है। ये देखो इसमें जंपिंग का सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रैक्टर की जो ऊंचाई है ग्राउंड क्लियरेंस ये भी काफी है, ये तो बहुत ही है। हाँ जी, और प्लेटफॉर्म तो नंबर वन है मुझे लग रहा है। भागते भागते चढ़ जाओगे, चढ़ जाएंगे और क्या, चढ़ने को चढ़ ही रहे हैं। सरदार नहीं चढ़ेगा तो और कौन चढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत सपोर्ट बहुत लगी हुई ट्रैक्टर मुझे लग रहा है। हाँ, सपोर्ट तो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल है। ये अंदर चैनल है, बाहर की साइड में मोटी पत्ती है। अच्छा जी, ये 1 इंच की मोटी पत्ती है। जी, सेल माले का ये मैंने पहली बार सुना है, ये कौन सी कंपनी है? ये माले दुनिया की फेमस कंपनी है। अच्छा, इसका सेल्फ भी है अल्टरनेटर भी है, दोनों माले के हैं। और ये पंप जो डीजल पंप है ये मोटर पाल का है। इधर दिखाओ, इन लाइन जिसे बोलते हैं। अच्छा, जी तो इससे तो अच्छा, इसका जैसे डीजल खर्चा तो अभी आपने नापा नहीं हुआ, ट्रैक्टर चलाया नहीं है ज़्यादा ना? अभी देखो बड़ी हैरो लेंगे फिर खुले प्लाट में चलाएंगे। ये तो बच्चा हैरो, नॉन होगी हैरो, इस पे तो कोई लोड है, टाइम लगेगा। फिर आपको एक्यूरेट बताएंगे, अभी खाली झूठ मारने का क्या फायदा। अच्छा, हैरो कौन सी लेने वाले हैं वैसे आप? हैरो लेंगे 12-12 की तो बनाएंगे ही, कंपनी तो कह रही है कि 16 की बनाओ 14 की बनाओ, कम से कम 18 की हैरो, इतना बड़ा ट्रैक्टर। अरे भैया मेरे इतने ना तो बड़े रास्ते हैं ना हमारे इतने घरों में गेट हैं, 14-15 फुट का गेट है उसमें वो निकलेगी नहीं, फिर बाहर खड़ी रहेगी, फायदा क्या है? मेन दिक्कत होती है अपने जो इंडिया में रास्ते की। रोड कितने फुट का है अपने वैसे? ये तो 20-25 फुट का है। अब मान लो अगर 18 तब भी हैरो ले ली, फिर क्रॉस कैसे होगा, क्रॉस कैसे किसको होगा, साइड कैसे देंगे? बिल्कुल। तो ये सब चीजें देखनी है, पहले बड़ी ले लो बाद में पछताओ, फायदा कोई नहीं है। नहीं, 12 की सही रहेगी आप बोल रहे हैं। तो भाइयों दे सकते हैं आप लोग, बाकी ट्रैक्टर का लुक देखा होगा आपने। सर इन्हें क्या बोलते हैं वैसे पंजाबी भाषा में? हमें तो पता नहीं है। ये हमारे निशान हैं। अच्छा जी, मतलब सर ये लिखा हुआ क्या है वैसे पंजाबी भाषा? ये तो होला मोहल्ला लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये जैसे गुरुद्वारा रीठा साहब लिखा हुआ है। अच्छा जी, अच्छा। ये हम लोग निशान लगाते हैं हमारे, ये निहंग सिंहों का नीला है। अच्छा जी, और ये हमारा वैसे है। अच्छा, केसरी ये चढ़दी कला का प्रतीक है। अच्छा जी, खालसे की जय हो। बिल्कुल। अच्छा एक बात पूछूं जी, ये क्या है? ये जूता है, नजर बट्टू बोला जाता है। ये भी जरूरी है कि किसी की बुरी नजर ना लग जाए। इतने सारे लगभग ट्रैक्टरों कितने लोग देखने आ चुके हैं अभी? कम से कम आपके अकॉर्डिंग कितने? गिना नहीं गिना है वैसे आपने तो? गिना तो नहीं है, 100 से 150 बंदा आ गया। कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 50-60 लोगों ने तो मतलब मुझसे कहा है, मतलब कि हमें ट्रैक्टर देखना है, ट्रैक्टर चला के देखना है, हम भी ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं। और जो कुछ हमारे अपने लोग अपने यहाँ पे मतलब पुराने ट्रैक्टर भी बेलारूस हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हैं क्षेत्र में। हाँ, तो वो भी मतलब ये सोच रहे हैं कि हम भी अब जैसे पुराना मॉडल हो गया हम शायद चेंज कर लें, क्योंकि जिसने भी ट्रैक्टर एक बार चलाया तो वो ये कहता है कि इसकी बात ही अलग है। जैसे सरदार लोगों की बात अलग है, ट्रैक्टर की बात अलग है। मतलब जिसने एक बार ले लिया ना वो इसका दीवाना हो जाता है। बिल्कुल जी, क्योंकि इसमें खूबियाँ बहुत अलग, क्योंकि हमें जो चाहिए ताकत, ऊपर बैठे हुए तो ट्रैक्टर मतलब नाचता हुआ जाए, ये ना हो दब्बू कभी लोड ले रहा कभी मतलब वो हैरो नहीं खींच रहा है, उसका तेल ज़्यादा 1-1.5 लीटर फालतू खा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। और एसी में बैठे हुए हैं जिंदगी बन जाती है बंदे की, तेल दूल का तो आता जाता रहता है, ये तो कोई सिस्टम। हाँ। अच्छा जी, तो भाइयों अभी आपको दिखाते हैं, बेड तो यहाँ पे बहुत तगड़े लगे हुए हैं, 20 kg का एक है शायद, और बाकी काफ़ी भारी ट्रैक्टर है। और इसमें जो एक चीज़ और भी है ना, बिल्कुल, ये जो 4x4 है ये इसका इधर से सिस्टम अंदर से दे रखा है। इधर दिखाओ जरा। अच्छा, अंदर इसमें तेल पड़ता है, नीचे गरारी है ना लगी हुई। अच्छा, एक बड़ी। अच्छा जी, और आम जो ट्रैक्टर आपने देखे होंगे जॉन डियर वगैरह या और भी, उनके यहाँ बाहर जुगाड़ दे रखा है। हाँ। इसमें अंदर ही अंदर है। हाँ, यहाँ से होता है, मैंने देखा उनके बाहर है, इसके अंदर है। अच्छा, और जो आपने बताया था ये 4x4 मतलब इसमें गियर डालने नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ जी, इसमें 3 फंक्शन है, एक तो मतलब निकाल लेते गियर, एक लगाना। अच्छा जी। और एक ऑटोमेटिक है सेंटर में। अच्छा जी, जैसे ट्रैक्टर को लोड लगेगा, अभी जरूरत तो लगेगी। बिल्कुल। तो वो अपने आप लग जाता है। तो नहीं आप, है हाँ। आपने उस दिन ट्रैक्टर हैरो पे चलाया था? हाँ। तो कौन से गियर में चलाया था उस दिन? तो हमने 5 में चलाया था। गियर कितने टोटल? गियर कितने? 24 गियर हैं। 24 गियर। सटल गियर भी है? सटल गियर अलग है।
अच्छा। मतलब इसके एक तो हाई लो है। अच्छा जी। और एक जो बड़ा वाला गियर है उसमें भी दो फंक्शन है। अच्छा, हाई लो टैप ही है, वो अलग है। अच्छा। एक शटल गियर है। अच्छा जी। वो साइड में है, जैसे आगे पीछे करना है आपने किसी गियर में भी उसको बिना क्लच के चलाए जाओ, आगे पीछे क्लच दबाने की जरूरत नहीं है। मतलब किसान को जैसी जरूरत है गियर की वैसे ट्रैक्टर में है। सारे फंक्शन है, ज्यादा ही है जी, इतने हो ही नहीं पाएंगे, लगेंगे नहीं। मतलब किसी को लगेगा नहीं कि ट्रैक्टर लेके हम मतलब हमने गलत किया है, ये फंक्शन है, सभी फंक्शन है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मोबाइल में आज तक कोई फंक्शन सारे हम लोग नहीं ढूंढ पाते हैं, मोबाइल में बहुत फंक्शन है। बिल्कुल, ऐसे ही इस ट्रैक्टर में इतने फंक्शन है कि ये ही नहीं पता चल पा रहा कि कौन सा गियर लगाएं। अब जब वो आपने कहा कौन से में चला रहे हो, जिसमें मर्जी डाल दो ये दौड़ता है बस। अच्छा, शेर है तो भाई। और इसकी RPM जो अपने आप सेट होते हैं, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। अच्छा। जैसे हमने किसी गियर में डाला वो अपने आप सेट हो जाते हैं, पहले चलता धीरे धीरे हाथी जैसे। अच्छा, एकदम नहीं दौड़ता है, पहले लगेगा अभी दब रहा नहीं, फिर धीरे धीरे कुछ सेकंडों में चाल पकड़ लेता। अच्छा। अपने। पर इसकी जो साउंड है ज्यादा साउंड भी नहीं है, क्या आता भी नहीं है, बाहर तो आवाज होगी अंदर तो पता नहीं चलता। नहीं, बाहर की सुनिए मैंने, ज्यादा मतलब ज्यादा चीख नहीं है कि धार रहा है, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और भाईयो ट्रैक्टर में बेट सर जी ने बताया था 48 क्विंटल बेट जी, है जी। तो आपको मतलब बाहर से बेट लगवाने की जरूरत तो नहीं है, जिसमें बेट का लगने ऑलरेडी पहले लगे हुए हैं। नहीं, काफी लोग लगवाते हैं वो तो और... खाली देखो इसमें जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, इधर देखो थोड़ा पीछे। कुछ मुझे ऐसे लगा वैसे कल परसों ना कि इसके पहियों में भी उन्होंने पानी डाल रखा है कंपनी से ही। हाँ, क्योंकि हमने जब थोड़ा धक्का लगा के आगे पीछे हिला के देखा तो छल कर रहा था कुछ। अच्छा अच्छा, तो ये उन्होंने कुछ अपने हिसाब से डाला होगा, जो भी लॉन्ग बीच में पाउडर वगैरह डालते हैं ना वो लोग। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है। बिल्कुल जी, किसानों को मैं अपील करूंगा कि आप 50 HP लेना चाहें, 25 लेना चाहें, 60-62 AC लेना चाहें, नॉन AC लेना चाहें, जैसा भी है वैसा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। सर जैसे एक बात बताएं, काफ़ी किसान भाई आसपास के देख रहे हैं या मतलब अपने UP के देख रहे हैं, यूपी उत्तराखंड, यहाँ तो कोई अभी ट्रैक्टर मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है, कोई लेना चाहता है तो उसके लिए कोई सुविधा हो तो बताएं, वो कुछ कर सकते हैं। ट्रैक्टर तो अगर लेना है वो भी हो जाएगा, एजेंसी चाहिए किसी भाई को तो वो भी हमसे संपर्क करें, हम आपकी बातचीत करवा देंगे। नहीं, काफ़ी लोग कहते हैं जैसे आप दीवाने हैं, आपको मिल गया, अब और भी लोग दीवाने हैं। दीवाने तो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई नंबर वंबर है वैसे, या नंबर या कंपनी का ही नंबर? नंबर तो दे देंगे आपको, नंबर की वैसे लोग बहुत कॉल करेंगे ना, ऐसे ना हम नंबर डाल दें फिर आगे परेशान ना करें, आजकल लोग सवाद ज़्यादा लेते हैं। बिल्कुल, आपके पास आप अकेले ही खेती करते हैं। जिसने भी आपको ट्रैक्टर चाहिए मेरे से संपर्क कर लें, यहाँ मैं मुझे सब लोग जानते हैं। बिल्कुल, इलाके में 100-100 किलोमीटर तो सब जानते हैं मैं, कोई ऐसी बात नहीं। 10 में फार्म अपना, गुरप्रीत सिंह देओल मेरा नाम है। बिल्कुल, सनी देओल तो नहीं, गुरप्रीत सिंह, और सब जानते ही हैं। बिल्कुल जी, जहाँ आप बता दें मेरे से कॉन्टेक्ट में करवा दूँ, अगर जिसने लेना है। बिल्कुल, जिन्हें स्वाद लेना है वो कृपया दूर रहे। बिल्कुल नहीं, ये बात सही, बिल्कुल नंबर ऐसे देना जी, वीडियो में काफी लोग कॉल करते हैं, नंबर दे रहे हो, अगला बंदा परेशान हो जाए बात नहीं बनती। हम भी अपने काम में चल रहे हैं, और अभी तो धान का सीजन आने वाला है, आपका काम शुरू होने वाला ही है। तो भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं उम्मीद करूंगा ये भारत की एक ऐसी वीडियो होने वाली है जिसमें सभी फीचर्स की जानकारी आपको मिलेगी। और सर, काफ़ी लोग यही कहते हैं कि आप भैया बहुत बड़ी वीडियो बनाते हैं, बड़ी वीडियो का तो यही है कि जानकारी पूरी देंगे ना, अब ऐसे क्या, अब जैसे इसमें जानकारी हमें तो कहोगे तो हम इस पर 1 घंटा बोल देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि हमने इसकी स्टडी पूरी करी हुई है। बिल्कुल, ट्रैक्टर लेने से पहले हमने मोबाइल पे पता नहीं कितनी बार इसका सारा देखा है, यहाँ नहीं देखा हमने, बेलारूस तो चले हैं। अच्छा। हम बेलारूस की फैक्ट्री में घुसे हुए हैं। अच्छा जी। वहाँ से हमने देखा कैसे बनता, क्या सिस्टम है, पूरी सर्च हिस्ट्री मतलब निकाल दी गई, जितनी तो वो नहीं बताएंगे जितनी मैं जानता हूँ इसके बारे में। और मैंने जहाँ जिस दिन ये वहाँ से आया था तो इसका ये जो मडगार्ड है ना, ये हाँ जी, सारे बर्फ से लदे हुए थे, मेरे पास फोटो पड़ी हुई है, वो फोटो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, ये सब बर्फ भरी हुई थी। सर मुझे एक बात बता सकते हैं, जैसे ये 84 HP का ट्रैक्टर है इंडिया, ठीक है, बेलारूस तो काफ़ी मतलब बर्फीला देश है, तो वहाँ अपने अकॉर्डिंग कितने, वहाँ की 84 HP है, अपने यहाँ पे कितना हो गया वैसे? यहाँ 100 के आसपास मानता हूँ मैं इसको, 100 के आसपास, क्योंकि जो एक इनका हर्षा ट्रैक्टर T25 ट्रैक्टर भी था ना। अच्छा। इसमें एक DT14 आता था, DT28 आता था। बिल्कुल, नाम सुना है हमने, देखे नहीं, नाम है, मिल जाएंगे हरियाणा साइड में है। अच्छा जी। और एक फिर आपका वो आ गया रशियन 50 HP वाला। अच्छा जी।
और ये तो अब बाद में आए हैं, 820 भी आया, 510 भी आया, 520 भी आया, अनेक आए हैं। तो ये कई मॉडल इसमें हैं। अब वो हर्षा जो बोलते हैं, हमारे पिताजी बताते थे कि वो देखने में तो 25 का था, मगर वो 8-8 गियरों में खींच लेता था। इतना छोटा ट्रैक्टर 8-8 गियर? हाँ, 8-8 गियरों, हमारे पिताजी बताते थे। कोई लोड नहीं मानता? ना ना, वो मतलब वही है कि उनकी, आपने रशिया के बंदे देखे, इसकी हाइट देखो, 7 फुट ट्रैक्टर है ये, 6.5-7 फुट। हम तो बहुत छोटे लग रहे हैं। मतलब आम आदमी आप इस पे नीचे से कपड़ा नहीं मार सकते हो, ऐसे ऊपर को अगर मारोगे तो दिखाई नहीं देगा आपको, चकना पड़ रहा है ना। हाँ, आपको दिखाई नहीं देगा ऊपर है क्या, तो इसके नीचे स्टूल या ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ के लोग भारी भरकम है, तगड़े हैं, तो इसलिए ये ट्रैक्टरी ऐसे ही बना रखे हैं सारा सिस्टम। नीचे भी सिस्टम बहुत हैवी दिया हुआ है। ये देखो इधर देखो, आपने देखा होगा, इधर करो, ये आपने देखा होगा कि आम जो हैं ट्रैक्टर, उनकी पीटीओ नीचे लगी हुई है। नीचे लगने से एक तो जैसे हम चलाते हैं बीच में पुआल रूल और वगैरह कुछ फंस भी सकती है, दूसरी बात कभी हमें यहाँ से खोल के कोई रिपेयरिंग करनी हो तो इसकी साइड ही में कर रखा है इन्होंने, यहाँ से खोला, जगह बहुत है, यहीं से आपको कोई बैरंग बूर या कुछ हो वो पड़ जाएगा, ठीक नहीं। ये देखो यहाँ से उसके नीचे घुसना पड़ेगा, या नीचे कहीं मेड़ मोड़ में लगे, या जैसे जंगल उंगल में कोई लकड़ी मुड्डी होती है उसमें फंसेगा, ये टूट सब सेफ्टी बना रखी है। ये तो काफ़ी अलग लग रहा है ना। हाँ, और इसका वो ये क्या चीज़ है, क्या सिस्टम दिया हुआ है ये हुक? कौन सी नीचे? ये अभी निकाली नहीं है मैंने, ये हुक है। अच्छा जी, ये उधर पीछे अब उसी में जॉइंट है, पिन निकाल के पीछे को लग जाएगी, ऐसे ऐसे जैसे फौजी ट्रॉलियां नहीं पड़ती हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसकी हुक ऊपर को करके ऐसे लगेगी। अच्छा जी। हाँ, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। बहुत ही अलग ट्रैक्टर है। तो भाई ये इसके ब्रेक ड्रम देखो कितने बड़े हैं, ये साइड में। अच्छा। हाँ, ये बड़े वाले ब्रेक ड्रम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी। और ये क्या चीज है वैसे? यहाँ से हम इंजन ऑयल डालेंगे। अच्छा। ये इंजन ऑयल यहाँ से पड़ता है, ये मोबाइल फिल्टर हो गया इसका। तो आपने इस ट्रैक्टर की मतलब पूरी हिस्ट्री निकाली है, बिल्कुल डिटेल? हाँ, सब बनते हुए देखे हमने। अच्छा, बनते हुए। जहाँ बन रहे हैं ना ये, वहाँ ऑटोमेटिक प्लांट लगा हुआ है। अच्छा, वहाँ सब देखे हैं। अपने इंडिया में मतलब बनने शुरू हो सकते हैं ना कभी? देखो फ्यूचर हमारे प्रिय दोस्त। अच्छा। दर्शन राणा जी। अच्छा, दर्शन राणा जी। हाँ जी, मेन हेड वही हैं। अच्छा जी। और बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा जी। उन्होंने इस टाइम 2 फैक्ट्रियां लगा रखी, एक पंचकूला में। अच्छा जी। एक शायद उधर औरंगाबाद है या उधर ही महाराष्ट्र में है कहीं पे। सर मैंने सुना है अभी आप इसके इवेंट में जाने वाले, इवेंट होने वाला है बेलारूस का। हाँ, बुलाते रहते हैं जब भी कोई प्रोग्राम होगा तो बुलाते हैं। तो हाँ, इवेंट कब होगा सर? वही 1-2 जून के आसपास है। अच्छा जी, तो इवेंट में जाएंगे? जाने को बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो अपनी खेती कर ही रहे हैं। क्यों नहीं बुलाएंगे? हाँ, जब क्योंकि देखो ऐसे है ना, हम लोग तो फील्ड में काम करते हैं। बिल्कुल जी। वो अफसर लोग या ऊपर जितने इनके मतलब इंजीनियर हो गए, वो तो एसी में बैठ के अपना काम करते हैं। जो असली रिव्यू तो किसान ही देंगे। हाँ, असली रिव्यू हम लोग देंगे, हमें पता है क्या कमी है क्या खूबी है, हम चलाते हैं तो बुलाएंगे तो अवश्य जाएंगे, एक बार नहीं बार बार बुलाएंगे, बार बार जाएंगे। अभी तो ट्रैक्टर आपको बहुत अच्छा लगा? हाँ, मुझे तो लगा ही है, अब आप बताओ दुनिया को। हाँ, हमें तो लगा तभी लिया हमने। मुझे भी ट्रैक्टर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो फिलहाल जितने भी ट्रैक्टर ऑलमोस्ट सभी की वीडियो बनाते, ये लगा था, इसकी नहीं बनाई थी, इसकी वीडियो बनाते। ये अब आने वाले समय में राणा जी के 2 प्लांट लगे हुए हैं। अच्छा। ये इसमें एक जगह तो बनेगा, ये इम्पोर्ट इंजन आएगा और गियर बक्सा वगैरह टायर उर यहाँ के होंगे। बिल्कुल। और ये आपकी जो बॉडी उडी है ये यहाँ की होगी। अच्छा। इंजन और गियर बक्स जहाँ तक मुझे जानकारी है वो वहीं से आएगा, बेलारूस से। अच्छा। और एक प्लांट में पूरा स्वदेशी बनेगा, यानी इंडिया का ही बनेगा। अच्छा। ये बनने लग गए हैं और अब बस इन्होंने लॉन्च कर दिया, अब जगह जगह एजेंसियाँ खुल जाएंगी। तो मुझे ज़रा शौक था कि पूरा 100% विदेशी लूँ, तो इसलिए मैंने ये पंगा ले लिया। फोर्ड भी बहुत पहले लेके आए थे ना? फोर्ड भी? हाँ हाँ, फोर्ड भी है, फोर्ड है मेरे पास 3600 फोर्ड, वो भी वेटिंग में ही आया था उस टाइम। अच्छा, वेटिंग में? हाँ जी। अच्छा सर जी, फोर्ड के लिए मैं वेट कितना वेट किया था आपने लगभग? उस टाइम पिताजी ने 3 महीने का किया था। और इसके लिए? इसमें तो देखो 8 महीने तो वैसे ही लग गए। अच्छा, कितना मतलब कुछ अमाउंट देना पड़ा था तभी? अमाउंट तो जमा करना ही पड़ता है। कितने परसेंट लगभग दिया था? लगभग 30%। अच्छा, 30% देना पड़ेगा कोई भी ले? नहीं, आप तो जैसे ट्रैक्टर जल्दी भी आ जाते हैं, वैसे तो 2 महीने में ही आ जाते हैं। अच्छा। 2 से 3 महीने में मिल जाते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।
वो बीच में ये यूक्रेन वहाँ लड़ाई भी लगी हुई है ना, आपको पता रशिया में बच्चे बच्चे को पता है, तो मीडिया बड़ी खतरनाक है। तो वो कुछ ये भी है, कुछ जो ये जिसमें आते हैं कनेक्टर, क्या बोलते हैं डिब्बा बड़ा वाला कंटेनर, तो वो नहीं उपलब्ध हुआ कई बार ऐसे। वैसे वहाँ बर्फ़ पड़ने लग गई। जो आपको एक और जानकारी दूँ, जब वहाँ से ये आते हैं इंग्लैंड के ऊपर से, तो वो बर्फ़ वो समुंदर भी जम जाता है। अच्छा। हाँ, समुंदर जम जाता है, फिर उसको धीरे धीरे जैसे हम खोला मतलब रास्ता बनता है, फिर माल आता है। अच्छा। हाँ, तो लास्ट में हमारे किसान भाइयों से कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप? किसानों को यही कहूँगा कि बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, आप बेहिचक इसको खरीदें और चला के देखें। हाँ, चला के देखें, मेरे पास आइए, मैं चलवाऊँगा, दिखाऊँगा। नहीं, मतलब लगभग 50-60 लोग ऐसे, मैं तो फील्ड में घूमता हूँ, ट्रैक्टर आपने वीडियो बनाई, वीडियो अच्छी है और हम ट्रैक्टर मतलब देखना चाहते हैं। मैंने देखना, तो आप चले जाएँ सर के पास और सर का नंबर दे दूंगा मैं, जैसे मिलना है ना अपने, तो बाई चांस काम भी होता है कभी किसान को, है ना। तो ऐसे तो वीडियो में नंबर तो देना सही नहीं है। नहीं नहीं, वीडियो में नंबर नहीं, फिर वो देखो फायदा कोई नहीं इसका। जिसे मिलना है वो कमेंट कर दे, वो सब हो जाता है, आपके पास है, जिसने करना हो जाएगा। हाँ। तो भाइयों आप वीडियो कुल मिला के पूछना क्या, मैंने सब जानकारी तो दे दी। बिल्कुल। और किसी को देखना है तो वो आ जाए बस। हाँ, जो जब तक आप देखेंगे नहीं, मैंने भी देखा तब वो किया, जब तक मैंने देखा नहीं तब तक, अब फोटो तो फोटो ही है। बिल्कुल। नहीं, जानकारी तो सब दे दी आपने, इतनी जानकारी तो इंजीनियर को नहीं होगी ना, वो तो खाली बस उन्हें टाई लगाई और बस बोल दिया 5 मिनट की वीडियो, उसमें क्या होगा। हाँ जी, हाँ जी, है ना दी। तो भाइयों आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।